आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। जिले की जावरा तहसील में स्थित विश्व प्रसिद्ध हुसैन टेकरी परिसर में इंदौर की महिला 35 वर्षीय अनीता को आधी रात आरोपित पति दिनेश चौहान निवासी आनंदी नगर खजराना इंदौर ने चाकू मारकर घायल कर दिया। उन दो बच्चों की संदिग्ध मौत हो गई। चाकू मारने के बाद पति भाग निकला। महिला करीब 8 घंटे तक घटनास्थल पर घायल अवस्था में पड़ी रही। सुबह फोन कर इंदौर से सास ससुर और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे। महिला को पुलिस की मदद से अस्पताल भर्ती कराया। बच्चों की मौत का कारण पता नहीं चला। उनके मुंह से झाग निकल रहा था, इससे माना जा रहा है कि उन्हें जहर दिया गया होगा। एएसपी सुनील पाटीदार ने मीडिया को बताया, बच्चों के शवों के पोस्टमार्टम कराए जा रहे हैं। रिपोर्ट के बाद ही उनकी मौत का कारण पता चल पाएगा। मामले की जांच की जा रही है। अनीता की सास केसर भाई ने बताया, सुबह फोन आया 7 बजे, 7-8 बजे के बीच में, तो बोले बच्चे बच्ची रात को खाना खाए सोए, तो सोए के सोए रह गए। वो दो की कुछ खिचकिच हुई है, तो उन्हें गुस्से में उस भाई को चाकू सब्जी काटने का मार दिया। तो बोले मेरे बच्चों को क्या हो गया, बोले इस पर इनको याद हुआ है, मैं तो थी नहीं, अब वो बताया वही है। वो फिर हम आए 2-3 गाड़ी लेके, तो देखो तो बच्चों तो चले गए थे। इसको अस्पताल लाए, उनको अस्पताल ले गए, और बस उसके बाद में वहाँ लाए इलाज जिसका हो रहा, यहाँ आ गई मैं। बच्चों को तो खत्म हो गए सर, वो मुँह में से फेस आ रहा है दोनों का। किसने किया, किसने जहर दिया ये तो मालूम नहीं सर, मैं तो वहाँ थी। अब वो डर के मारी भग गया, वो तो ये मारेगा मेरे को। पति के चाकू से घायल पत्नी अनीता का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। महिला थाना प्रभारी पिंकी आकाश ने अस्पताल पहुंचकर घायल महिला के बयान दर्ज किए। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने मीडिया को बताया, एक गंभीर घटना आज सुबह हम लोगों के संज्ञान में आई है, और इसमें दो बच्चों का वहाँ पर शव मिला है, जिसमें कि एक की उम्र 16 वर्ष और एक की उम्र 12 वर्ष है। इसमें साथ में जो उन बच्चों की माँ है, उनको भी एक स्टैब वुंड है, मतलब चाकू से एक चोट है, और उनके द्वारा जो अपने बयान दिए गए हैं, तो उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, तो संभवतः वहाँ से ये परिवार करीब 3-4 दिन पहले अपने चारों लोग, मतलब पति जो कि अभी वर्तमान में जो अभी नहीं मिले हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है, वो और साथ में ये तीन लोग आए थे, और पिछले 2-3 दिनों से यहीं हुसैन टेकरी वाले क्षेत्र में वहाँ पर मौजूद थे। कल रात का संभवतः या आज सुबह सुबह का ही ये घटनाक्रम लग रहा है, और अभी तक तो जो विवेचना चल रही है उसमें हम लोग 3-4 बिंदुओं पर काम कर रहे हैं, जल्दी इसमें आरोपियों का खुलासा होगा या इसमें पूरा घटनाक्रम क्लियर हो जाएगा। जावरा में जो है बताया जा रहा है कि इलाज के लिए कई लोग वहाँ पर, किसका इलाज कर रहे थे? जैसा आपको पता है कि हुसैन टेकरी में आस्था से जुड़ा हुआ एक स्थान है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो बहुत सारी अपनी परेशानियों को लेकर ऐसी आस्था रखते हैं कि वहाँ पहुँचने से होली के त्यौहार के दौरान या चूल का जो आयोजन होता है उस दौरान या उसके अलावा भी वहाँ से ऐसी उनकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, और उसी से संबंधित ये परिवार ही वहाँ आया हुआ था। परिवार के लोगों ने ये बताया है कि जो पति हैं जो अभी फरार चल रहे हैं, उनको ही इस तरह की समस्या थी, जो पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं और इस बार भी उन्हीं के इलाज संबंध में आए थे। अभी इस संबंध में विवेचना चल रही है कि वो कहाँ गए हैं, कितने बजे निकले हैं और किन हालातों में ये सब घटनाक्रम हुआ। सर, इस मामले में मुलजिम किसको बनाया, अभी कोई अज्ञात आरोपी है या किसी को मुलजिम बनाया है? अभी प्रथम दृष्टया तो जो महिला ने कथन दिए हैं, जिनको स्टैब वुंड्स भी हैं, तो उनके आधार पे उनके पति को ही हमने सबसे ज़्यादा संदिग्ध के उसके कैटेगरी में रखा है। उनको यही मानते हुए उनकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। जैसे ही वो मिलते हैं और भी तथ्य इसमें सामने आते हैं, टेक्निकल एविडेंसेस भी सामने आएंगे, तो और भी इस मामले में खुलासा होगा। जो बच्चों की जो हत्या हुई है, तो बच्चों की हत्या जहर देकर दी गई है, क्या उसमें जो सामने से हम लोगों को फिजिकल एविडेंसेस जो समझ में आते हैं, उसको देख के प्रथम दृष्टया तो यही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल वुंड्स जो हैं पीएम में भी जो इनिशियल रिपोर्ट होती है उसमें नहीं मिले हैं। डिटेल पीएम रिपोर्ट जैसे ही सामने आती है, और जो जहर से संबंधित भी और टेस्ट होते हैं, जो फॉरेंसिक एविडेंसेज आते हैं, उसके आधार पर फिर और जांच होगी, उससे पता चलेगा कि क्या सब्सटेंस था, यदि जहर सब्सटेंस था भी तो, और यदि नहीं था तो मृत्यु का क्या कारण था, ये सभी चीज़ें विवेचना का विषय है। फाल्गुन मास की दशमी तिथि पर बांगरोद स्थित खाटू श्याम के दरबार में जमकर श्याम के भक्तों ने फाग उत्सव मनाया। खाटू श्याम के दरबार में उमड़ी आस्था की भीड़ में हर एक भक्त श्याम का दीवाना बना। रात 10 बजे श्याम के भजनों के तराने परवान क्या चढ़े, जमकर गुलाल उड़ी। खाटू श्याम के दरबार में उड़ी रे गुलाल, रंग लाल लाल की स्वर लहरियों के साथ भक्त झूम उठे। Oh,
फाल्गुन माह में इन दिनों हर तरफ रंग पर्व की मस्ती छाई हुई है। देवालयों के साथ साथ अन्य स्थानों पर रंगारंग फाग उत्सव के आयोजन हो रहे हैं। इसमें मधुर फाग गीतों पर जमकर नृत्य किया जा रहा है। वहीं फूलों के साथ गुलाल से होली खेली जा रही है। फाग उत्सव का उल्लास सभी के सिर चढ़कर बोल रहा है। रविवार को अनेक स्थानों पर हुए फाग उत्सव में जमकर रंग गुलाल उड़ाया गया। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी द्वारा संस्थापित प्रभु प्रेमी संघ का फागोत्सव श्री मेहंदी कुई बालाजी पुष्प वाटिका पर धूमधाम से मनाया गया। पंडित अनिरुद्ध मुरारी ने एक से बढ़कर एक फाग गीतों की प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। महिलाओं ने पूरे जोश के साथ फाग गीतों पर नृत्य करते हुए फूलों से होली खेली। फाग भजनों की मस्ती में कृष्ण राधा शिव पार्वती के रूप में भजनों पर चित्रांकन कर प्रस्तुतियां दी गई। गुलाब चक्कर परिसर में जनमंच परिवार द्वारा फाग उत्सव मनाया गया। फाग उत्सव में कान्हा की होरी के भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। रत्नपुरी के राजाधिराज भगवान गढ़ कैलाश में फाग उत्सव में जमकर भक्ति की मस्ती छाई। श्री गढ़ कैलाश सेवा समिति द्वारा आयोजित फाग उत्सव में कान्हा के भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने हर एक को थिरकने पर मजबूर कर दिया। उड़ते रंग गुलाल और पुष्प वर्षा से उत्सव को रंगीन बना दिया।
जिला अस्पताल में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल किचन इंचार्ज ने शादी का झांसा देकर 44 वर्षीय विधवा महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। आरोपी दुष्कर्मी को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। अपनी गिरफ्तारी होते ही आरोपी ने गंभीर बीमार होना बताया और जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती हो गया। ये दुष्कर्मी आरोपी है अशोक सिंह पवार निवासी वीआईपी नगर थाना दीनदयाल नगर रतलाम। अस्पताल में मरीजों के लिए बनने वाले भोजन में रसोई घर का प्रभारी है। जानकारी अनुसार महिला ने रिपोर्ट की कि कुछ समय पहले पहचान होने पर अशोक सिंह ने घर आना जाना शुरू किया, शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, बाद में शादी से मना कर दिया। महिला ने घर आने से मना किया तो जान से मारने की धमकी दी। 10 फरवरी 2022 को घर आकर दुष्कर्म किया। डर के कारण किसी को घटना नहीं बताई, बाद में हिम्मत करके आसपास वालों को बताकर रिपोर्ट की। पुलिस के अनुसार आरोपित अशोक सिंह के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 376 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल कराने के दौरान अशोक सिंह की तबीयत खराब हो गई, इसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। एक महिला ने भी इसी आरोपी के खिलाफ एक और शिकायत की। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर आमजनों और युवाओं में क्रेज बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन फिल्म का एक चैनल पर प्रमोशन नहीं करने पर चैनल के खिलाफ युवाओं का आक्रोश भी चरम पर पहुंच गया। राष्ट्रवादी युवाओं ने अपने आक्रोश का इजहार करते हुए दो बत्ती पर सलमान खान और कपिल शर्मा के पुतले को आग के हवाले किया। विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी कर रहे युवाओं ने कपिल शर्मा और सलमान खान को देशद्रोही करार भी दिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे युवा ने बताया, ये जो देश के अंदर अभी राष्ट्रवाद सब युवाओं में जिस प्रकार से उन उतर गया है, तो सबको आजकल ये पता चलने लग गया है कि कौन देश के साथ है और कौन देश के विरोध में है। एक बहुत अच्छी फिल्म आई है कश्मीर फाइल्स, जिसमें 1990 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ, उनके परिवार के साथ जो अत्याचार हुआ, उस पर पूरी उन्होंने वो उस समय का पटकथा और चित्रांकन जो वास्तविक उतारा है। इस प्रकार के जो सेकुलर लोग कपिल शर्मा, जो तथाकथित कम्युनिस्ट हैं, सेकुलर हैं, सलमान खान, इस प्रकार के लोग इन प्रकार की जो मूवी आती है उनको दबाने का काम करते हैं। अच्छा, तो आपकी डिमांड क्या है मैम? हमारी डिमांड ये है कि इस प्रकार से विरोध कर ऐसे देश के नासूरों को, पूरे समाज को बताना चाहिए कि ये लोग देश में नासूर है, पूरे देश विरोधी लोग हैं। रविवार की शाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पथ संचलन का आयोजन किया। कॉलेज रोड स्थित कला एवं विज्ञान महाविद्यालय खेल परिसर से स्वयंसेवकों का गुणवत्ता पथ संचलन अनुशासन के कदमों के साथ निकला। कॉलेज रोड से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों से गुजरकर पथ संचलन पुनः कॉलेज रोड पहुंचकर उसका विसर्जन हुआ। देख रहे हैं अंबर टाइम्स।